15 साल में नपा नहीं डलवा पाई वार्ड 15 में सड़क। सड़क खराब और गंदगी से परेशान कॉलोनी वासियों ने नपा को कोसा। शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 विनायक नगर गणेश कॉलोनी के लोग खराब सड़क और गंदगी से वर्षों से परेशान हैं। इससे नाराज होकर लोगों ने अपने घरों से निकलकर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर पालिका पर असुनवाई के आरोप लगाए हैं। बता दें कि शहर में ऐसे हालात इसी कॉलोनी नहीं बल्कि ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां लोग सड़क न होने और गंदगी से परेशान हैं। शायद यही वजह रही है कि स्वच्छ और सर्वेक्षण में शिवपुरी 79 पायदान से गिरकर इस बार 124 पायदान पर पहुंच गई है। इनकी मुंह की जवान आज हमारी इस रोड की दुर्दशा देखिए, लोग आने से पहले कतराते हैं। ये शिवपुरी की स्वच्छता है, ये स्वच्छ भारत की रोड है 30 फुट की। यहाँ हम लोगों के मकान, हम नगर पालिका को टैक्स देते हैं मकान का, नगर पालिका में हमारे मकान आवंटित है, बाकायदा नल कनेक्शन का टैक्स दे रहा है, मकान का हाउस टैक्स दे रहा है, उसके बाद भी नगर पालिका की ओर से हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ दलदल हो रहा है पूरी रोड, कोई खम्भा पर लाइट नहीं है, किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है, जंगल राज चल रहा है बिल्कुल। आज तुम कितने साल से परेशान हो? आज हम 10 साल से परेशान है और जब पूरी गली में घूटे घूटे पानी में निकलने पड़ रहा है डेली 12 महीने। हम लोगों के बच्चे तक स्कूल बच्चे तो नए कपड़े पहन के स्कूल में, मैडम भी गुस्सा होती है हम पे कि आप बच्चे कैसे लाते हो, और प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता तो प्रशासन भी सुन ले, हम भी उनकी सुनवाई नहीं करेंगे। चाहे जनप्रतिनिधि आ जाए, चाहे विधायक साहब आ जाए, चाहे मंत्री जी आ जाए, हम भी किसी की नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, उसके तहत 1% कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की। यहाँ मच्छर हो रहा है, डेंगू पैदा हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप तो चल के देखें, हम अगर पैदल चल जाए कोई आदमी मुझे प्यार के भी निकल के बता दे मुझे। और सभी लोग सामान्य जाति के लोग रह रहे हैं इसमें, इस कॉलोनी में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सभी जातियां निवास करती हैं और इनके छोटे छोटे जो करीब इस गली से 200 बच्चे जो गीता पब्लिक और शिवपुरी पब्लिक और सरकारी स्कूलों में जाते हैं, आज उनकी स्थिति ये है कि वो पैदल, अपन तुम खुद देख के अंदाजा लगा सकते हो कि इस पे आदमी पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। आज इनके अंदर जो आक्रोश भरा हुआ वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम भी किसी की सुनवाई नहीं करेंगे, चाहे फिर वो हमारा जनप्रतिनिधि हो, वार्ड पार्षद हो या हमारे नगरपालिका अध्यक्ष हो। अगर इन लोगों की सुनवाई नहीं होती तो उनका सिर्फ एक ही बात का कहना है कि हम किसी की सुनवाई फिर हम नहीं करेंगे।